गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फंडा फाइव। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश कोर का सिलेबस क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए। आप सबको मालूम है बच्चों, 5 मई से आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो एग्जाम की तैयारी आप बहुत अच्छे से करें, लेकिन तैयारी करने के साथ साथ आप इस पेपर डिजाइन को, सिलेबस को बार बार रिवाइज करें। तो अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा सिलेबस और पूरा डिजाइन पेपर का पता लग जाए। तो बेटा, पूरा जो पेपर है इंग्लिश कोर, जिसका कोड है 301, ये 80 मार्क्स का पेपर आएगा, ठीक है बेटा। और 3 घंटे का पेपर होगा, इसमें आपको 15 मिनट रीडिंग के लिए मिलते हैं, उसके बाद 3 घंटे पेपर करने के लिए मिलते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है कि जो इस बार का पेपर में एमसीक्यूज बहुत आ रहे हैं, लेकिन एमसीक्यूज सही करने के लिए आपको लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी होगी। ओके बेटा, तो जब हम देखते हैं पार्ट ए, पार्ट ए में सारे एमसीक्यूज आते हैं। पार्ट ए बेटा आपका 40 मार्क्स का है, बहुत ज्यादा वेटेज है 40 मार्क्स की, पार्ट ए की 40 मार्क्स का ये पेपर आएगा। इसमें सारे एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यूज का मतलब ऊपर एक पैरा दिया होगा, नीचे क्वेश्चन दिया होगा और उसके 4 आंसर दिए होंगे अनसीन पैसेज में। तो पहला जो पार्ट ए का जो पहला सेक्शन है, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ओके, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 20 मार्क्स का आएगा। इसमें 2 पैसेज होंगे। 2 पैसेज का मतलब एक पैसेज अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज मतलब जो आपने देखा नहीं है, किसी भी टॉपिक पर एक पैसेज होगा जो कि 10 मार्क्स का होगा। बच्चों इसमें 11 क्वेश्चंस होंगे, 11 क्वेश्चंस होंगे और च्वाइस होगी, कोई दूसरा क्वेश्चन केस बेस्ड पैसेज होगा, ये भी 10 मार्क्स का होगा। इसमें ग्राफ बना होगा, पाई चार्ट बना होगा, टेबल बना होगा, तो टेबल आपको पढ़नी आनी चाहिए। मैंने बहुत सारी वीडियो ये पोस्ट भी कर दी है, 5 वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ, बाकी भी करूंगी, ताकि आपको टेबल पढ़नी अच्छे से आ जाए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, सारे आंसर हमें ग्राफ में मिल जाते हैं, बशर्ते कि हमें उसे पढ़ना आता हो। तो पूरी वीडियोस देखिए ताकि इसमें आप 20 out of 20 ले पाए। ये भी 11 नंबर का क्वेश्चन है, 11 में से कोई 10 करने हैं, इसलिए ये हो जाएगा 10 मार्क्स का। 10 + 10 मिलकर के टोटल हो गया 20 मार्क्स। ओके, लिंक इन वीडियोस का मैं इसी वीडियो पर शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हो। लिटरेचर दूसरा जो पार्ट आता है वो लिटरेचर में से है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 2 क्वेश्चन है बच्चों, लिटरेचर में 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 प्रोज से आएगा, यानी कि आपकी बुक में से आएगा, 1 from each book। 2 किताबें हैं आपकी, एक फ्लेमिंगो और एक विस्टास, तो ये है 1 from each book, लेकिन यहाँ पे च्वाइस होगी 3, 2 out of 3, यानी कि 3 पैसेज आएंगे और 3 में से कितने करने हैं, 2। दोनों पैसेज में नीचे 4 क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है, 4 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन कितने नंबर का हुआ, 1 नंबर का, तो 1 into 4। दूसरे पैसेज में भी 1 into 4, तो ये हो गया 8 मार्क्स। इन क्वेश्चंस में सबसे अच्छी बात यह है कि ऊपर पैसेज दिया होता है, नीचे क्वेश्चन दिया है, उसके नीचे 4 आंसर दिए हैं, लेकिन कई बार ये आंसर ठीक उसी पैसेज में से नहीं होता। रीडिंग टू कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, उस पैसेज में से भी क्वेश्चन हो सकता है या उस चैप्टर में से भी क्वेश्चन हो सकता है, तो आपको अपना दिमाग लगाना है, ध्यान से पढ़ना है और तब आंसर करने हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई भी आंसर छोड़ना नहीं है, आपको आता है तब भी करिए, नहीं आता तो मन लगा के पढ़ करके उसको करने की कोशिश कीजिए और करके आना है। ओके, तो ऐसे ही 4th क्वेश्चन भी एमसीक्यूज है, ये पोयम पार्ट में से आएगा। आपके सिलेबस में 5 पोयम है केवल, और इसमें भी च्वाइस होती है, तो 2 पोयम से 2 पैसेज आएंगे, कोई एक पैसेज आपको करना है। तो ये भी कितने नंबर का है, 4 नंबर का, 4 क्वेश्चन दिए होंगे, नीचे एमसीक्यू दिए होंगे, 1 into 4 = 4 मार्क्स। इसमें पोएटिक डिवाइस, राइमिंग स्कीम, पोएम का नाम, पोएट का नाम, कुछ भी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो आपको लर्न करने हैं। एक्सप्लेन, कोई भी फ्रेज दिया होगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी ऑल एमसीक्यूज आएंगे, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पर 9 क्वेश्चंस आएंगे, 9 में से कोई 8 आपको करनी है, कभी कभी 10 भी आ सकते हैं, तो लेकिन आपको 8 करने हैं, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो टोटल ये क्वेश्चन हो गया 8 मार्क्स का। ओके बेटा, ये दोनों बुक में से आएगा, फ्लेमिंगो और विस्टास में से। तो ये था टोटल पार्ट ए।
40 नंबर का ये पेपर है, इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, सारे एमसीक्यूज होंगे और सबको मिलाकर के 40 नंबर बन जाएंगे। दूसरा जो पार्ट है वो है पार्ट बी। ओके बेटा, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, यानी कि अब क्वेश्चन दिया है आपको आंसर लिखना है। अभी आप तक आपको अभी तक आपको आंसर भी दिए थे, टिक करना है। मान लो पहले का ए पार्ट है और उसके आगे वही लाइन कॉपी पेस्ट कर देनी है जो क्वेश्चन में दी हुई है, लेकिन ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये भी बेटा, इसमें भी कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। शॉर्ट राइटिंग टास्क, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन वो शॉर्ट राइटिंग टास्क के है। हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, नोटिस और एडवर्टाइजमेंट की सारे वीडियोस हमारे इस चैनल पे पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन के डिटेल इनके पढ़िए, बार बार सुनिए, ताकि आपको फॉर्मेट अच्छे से क्लियर हो जाए। और बहुत ही आसान है 3 नंबर लेने, आपने बॉक्स बनाया हो उसमें फॉर्मेट ठीक से लिखा हो, इसी बात का 1 नंबर हो गया। अगर उसमें आपने थोड़ा भी कुछ लिखा है पूरा सही नहीं हुआ तो भी आधा नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। आपके स्पेलिंग गलत नहीं होने चाहिए, पर्टिकुलर वर्ड्स के स्पेलिंग आप बार बार अच्छे से लर्न करो, रिवाइज करो। तो 3 में से 2 तो हर किसी को मिलते हैं अगर आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो आपको ये बच्चों अटेम्प्ट करना है। ऐसे ही फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन, इस लाइन का मतलब है चॉइस आएगी, दोनों में से कोई एक आपको करना है। यहाँ भी इन दोनों में से कोई एक आपको करना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में प्यारे बच्चों लेटर्स आते हैं। अब 2 ही लेटर आपके सिलेबस में है, एप्लीकेशन फॉर अ जॉब एंड लेटर टू एडिटर। तो इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। लैंग्वेज हमने बहुत अच्छे से आपको दे दी है, बॉडी बता दी है, फॉर्मेट बता दिया है, वीडियो भी है अपने चैनल पर, जाइए देखिए, सुनिए, बार बार लिखिए। लिखने की प्रैक्टिस बहुत करनी है, ठीक है बेटा। तो बार बार क्वेश्चन पेपर को देखिए और लिखिए। तो ये भी आपका है 5 नंबर का क्वेश्चन, कोई एक आपको करना है और ये आएगा 5 नंबर का। क्लियर है बेटा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आर्टिकल और रिपोर्ट। या तो आर्टिकल करो या फिर रिपोर्ट करो। इसके लिए आपको करंट टॉपिक्स करने हैं, पिछले साल में कौन कौन सी बातें ज्यादा हुई उन सब के ऊपर आपको आर्टिकल तैयार करना है या फिर रिपोर्ट तैयार करनी है, कि जैसे आपको COVID-19 में कैसे फील हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे आपने उनको सॉल्व किया, क्या क्या हेल्प की लोगों की, या किसी से क्या क्या हेल्प ली, किसी ने आपकी कैसे हेल्प की। आप रिपोर्ट लिख सकते हैं ऑनलाइन टीचिंग के बारे में, पिछले साल में जितनी अच्छी अच्छी बातें हुई या जो भी इश्यूज हुए उन सबके बारे में आर्टिकल या रिपोर्ट आपको लर्न करनी है। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, दोनों में से कोई एक करना है। अब क्वेश्चन 10, 11, 12, 13 ये आपके लिटरेचर बुक से आते हैं। ओके बेटा, लिटरेचर यानी कि आपकी 2 किताबें हैं, एक फ्लेमिंगो और एक विस्टास। तो क्वेश्चन नंबर 10 में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, जिनके आंसर हमें 25-30 वर्ड्स में देने हैं। इसमें 6 क्वेश्चन होंगे, 6 में से कोई 5 करने हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो कितने हो गए, 5 to 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया। ध्यान रखें जो भी लिखे स्पेलिंग लर्न हो तो नंबर कम कटते हैं, अगर स्पेलिंग में मिस्टेक्स नहीं है तो नंबर नहीं कटते, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ये विस्टास बुक से है, इसमें भी 2 करने हैं, 3 में से कोई 2 करने हैं और ये भी कितने नंबर का आएगा, 4 मार्क्स का। ओके, 2 into 2। तो अगर इसमें हमें पूरी लाइनें याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो भी आपको याद है आप लिख के जरूर आएंगे। अगर आप पेपर में लिखते हैं तो कोई भी आपके नंबर काट नहीं सकता, 2 में से 1 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बस रेलिवेंट होना चाहिए, चाहे वो फ्रेज हो या वर्ड्स हो या सेंटेंस हो, तो पूरे नंबर मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। तो बेटा 12 एंड 13 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, फ्लेमिंगो से 12 आएगा और 13 क्वेश्चन विस्टास से आएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन पोएट्री से भी हो सकता है, प्रोज से भी हो सकता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में आपको लिखना है, याद करने हैं, हर चैप्टर से 1 लॉन्ग क्वेश्चन आप याद कर सकते हो। अब बेटा अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो फ्लेमिंगो में आपके 5 चैप्टर आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 5 ही आ रहे हैं, और विस्तार में कितने आ रहे हैं, 5 ही आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम कोई भी 3 चैप्टर 4 चैप्टर अच्छे से कर लें तो हमारा पेपर बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। लिटरेचर इस बार 44 मार्क्स की आ रही है बेटा,
44 मार्क्स की आपकी किताबें ही आ रही है। इस बार लिटरेचर का बहुत बड़ा पार्ट है, वो या 3 चैप्टर जो आपको आसान लगते हैं उन्हें रिवाइज करें, याद करें पहले तो, और फिर उनको हर हफ्ते रिवाइज करें ताकि एग्जाम आने तक आपको भूले नहीं। तो एम है वो यही रहना चाहिए कि जो मैंने याद किया है उसमें से जो पेपर में आएगा मैं फुल आउट ऑफ फुल लेकर के आऊंगी और रोज नया कुछ क्वेश्चन याद करूंगी। बस आपको समझ में आ गया बेटा, सबको ये सिलेबस हर 10 दिन में एक बार रिवाइज करना है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा और मेरा कौन सा क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो गया। इस बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी बहुत अच्छी वेटेज है, प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे नंबर बच्चों को इसमें मिलते हैं, 20 out of 20 भी, 20 out of 18 भी, तो आपको भी लेने हैं। सभी बच्चों को 90 above पर जाना है, इसलिए वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करिए और स्मार्ट स्टडी करिए, ठीक है ना। जिस स्मार्ट स्टडी का मतलब है ऐसी पढ़ाई करें जिसका रिजल्ट भी अच्छा है। ओके बेटा, तो ये सिलेबस आपको समझ आ गया होगा बेटा अच्छे से, ये भी समझ आ गया होगा पेपर कैसे करना है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो ताकि आपके फ्रेंड्स भी इससे फायदा उठा सके। थैंक यू।